पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत रिजवान मस्जिद के समीप एक युवक की कुछ स्मैकर्स ने पिटाई कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। स्मैकर्स करीब आधा दर्जन की संख्या में थे और सभी ने युवक को पकड़कर उनके साथ छिनतई की घटना को अंजाम दिया। साथ ही उसके साथ जबरदस्त पिटाई भी की गई, जिसमें युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए और उन्हें तत्काल उपचार कराना पड़ा। पीड़ित युवक की माने तो रात्रि के करीब 8 बजे सड़क के सुनसान जगहों पर कुछ स्मैकर्स स्मैक पी रहे थे। इसी दरमियान वह बगल से गुजरते हुए अपना घर मुजफ्फर अहमदनगर जा रहा था। इतने में सुनसान का लाभ उठाते हुए सभी स्मैकर्स ने उसे पकड़ लिया और रुपये छीनने के क्रम में उसकी जबरदस्त पिटाई भी कर दी गई। इस दरमियान उसके सर पर गंभीर चोटें आई और स्मैकर्स सारा रुपया लेकर वहां से फरार हो गया। इस संदर्भ में जब स्थानीय थाना में शिकायत की गई तो पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं ली और 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई है। हालांकि युवक की शिकायत पर पुलिस कुछ आरोपियों के घर पर जरूर गई थी, किंतु प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस भारी टालमटोल कर रही है। युवक के परिजनों ने कहा कि अगर सहायकगंज थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो वे लोग पूर्णिया SP समेत तमाम वरीय अधिकारियों से भी शिकायत करेंगे। 26 तारीख को रात में यहाँ से घर से 7 बजे मुर्गी गाड़ी पे गए थे सर। उसके बाद उधर से वापस हुए, मुर्गी लोड नहीं हुआ तो हमको भेज दिया गाड़ी ओनर, बोला जाओ आप तुम घर कल आना, रेट भारी या मुर्गी का तो इसलिए लोडिंग में गाड़ी नहीं जाएगा। तो हम उधर से वापस हो रहे थे रिजवान मस्जिद के आगे और पुरानी मस्जिद से इधर, दोनों के बीच में जो है हमको सर 6 लड़का था, जिसमें 2 लड़का हमको पकड़ के हाथ दोनों ऐसे दीवार में सटा करके पूरा पैकेट वैकेट तलाश करने लगा सर। मेरे पास एक मोबाइल था एयरटेल का, ठीक है सर, और पैसा था 1100 रुपया निकाल लिया। उसके बाद जब हम मांगने लगे तो सर हाथ में फाइटर घुसा करके पूरा एकदम मारा है, कपार उपार खोल दिया सर, और देहात में दीवार में सटा खूब मारा फाइट से सर लड़का, ठीक है। कितना बजे की घटना है ये? 8 बजे की घटना, ठीक है, 8 बजे शाम में। हाँ, रात में 8-9 बजे रात में फाँका था सर वहाँ पे, स्मैक पी रहा था, देखे गांजा उंजा बना रहा था, ठीक है। तो 2 लड़का उठ करके पहले हमको दोनों हाथ को दीवार में से सटा दिया, उसके बाद मेरे पॉकेट से मोबाइल और पैसा निकाल दिया, ठीक है। तो हम जब मांगने लगे उससे पैसा और ये मोबाइल, तो वो हाथ में फेटर घुसा गया, उधर से आया बस मारने लगा हमको, पूरा सीट फाड़ दिया, बदन में दोनों पूरा मारा, पीठ में भी सर दाग था, इधर देख लीजिए इधर दाग होगा, सटा करके मारा सर। तो हम सरकारी हॉस्पिटल गए सर, एकदम रोने लगे हम, बहुत ज़्यादा मार लगा था। सरकारी हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे सर दवाई ववाई दिया, सुइया उइया दिया, उसके बाद इंजरी रिपोर्ट बनाया, वहाँ पे बोला मुँह भी मेरा सुना कि तुम पी करके तो नहीं आए हो, तो गार्ड साहब को मेरा मुँह सुना तो बोला मैं सर पी करके नहीं आया, पिया हुआ ना, तो इंजरी रिपोर्ट बनाया सर। वहाँ से हमको बोला कि जाओ थाना, तुम थाना में तुम्हारा केस ले लेगा, ठीक है। तो थाना आए तो थाना में मतलब 9-10 बजे तो सब दुकान सब बंद हो गया था, बोला था फोटो कॉपी करा के लाने और वो अप्लीकेशन लिखने के लिए, तो जो सामने में जो लिखता है तो उसका दुकान बंद हो गया था। फिर हम घूम करके घर चलाया, बोला था सुबह में आना, सुबह में गए तो उसके बाद अप्लीकेशन और फोटो कॉपी और सब दिए थाना में। तो थाना वाला कल 4 बजे एक बार मेरे साथ आया, हाँ, उस लड़का को रोमी नाम करके लड़का है, एक वो छोटू है, तो रोमी नाम करके जो लड़का है उसका घर पर हम ले करके गए, तो लड़का नहीं मिला तो थाना वाला आया वहाँ से उसके घर पर से, हमको गाड़ी में ही छोड़ दिया था, थाना वाला खाली दिया था उसके घर पे। उसके बाद आया उसके घर पे से हमको गाड़ी में, बोलता है तुम एप्लीकेशन में ये सब झूठ बोलता है, मोबाइल चोरी हुआ, 1100 रुपया मेरा छीना है, ये सब झूठ है। उसका गार्जियन बोल रहा है कि मोबाइल तुम्हारा नहीं लिया, नहीं 1100 रुपया लिया, ठीक है, खाली तुमसे मारपीट हुआ। भाई ये ना कर रहा सर, कल भी बोला था कि हम शाम में उठा के ले आएंगे तो नहीं लाया, आज भी गए तो वही बात बोलता है कि आज उसको उठा लेंगे, नहीं उठा रहा है, टाल मटोल कर रहा है सर। ये मारने वाला तुमको कौन कौन है? मारने वाला सर हम 2 का नाम, 6 लड़का था लेकिन 2 का नाम हम जानते हैं, एक लड़का रिजवान मस्जिद के पीछे घर है, रोनी नाम है, ठीक है, एक लड़का छोटू है झंडा चौक पे वहाँ पे रहता है, ठीक है, उसका बाप, हाँ, उसका बाप क्या करता है? उसका बाप शायद बड़ोकरी वकील करता है, ठीक है सर। तो उससे उन लोगों से कभी तुम्हारी दुश्मनी पहले मारपीट ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है? नहीं सर,